नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2013 का सवाल है इट सेज़ द रेडियस ऑफ अ प्लानट इज़ ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटीज़ वी पी एंड वी ई आर एस के वेलॉसिटीज ऑफ प्लानट एंड दैट ऑफ अर्थ रेस्पेक्टिवली और उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि उस प्लानट की जो एस के वेलॉसिटी है उसको हम अर्थ की प्लानट की एस uh, के वेलॉसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं सो इट कैन बी वी पी इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव वी ई टू वी ई थ्री वी वी पी नो वी इज़ यूगल टू थ्री वी या फिर 1.5 पॉइंट ऑल एट सो दीज आर द फोर ऑप्शन सो हमें जो दिया हुआ है वहाँ पे उस प्लेनेट का रेडियस ट्वाइस के रेडियस का और डेंसिटी uh, दोनों की बराबर है नाउ एस्केप वेलॉसिटी अपने को पता है उसको हम लिखते हैं 2 जी बाय आर ये किसी भी प्लेनेट के सरफेस से आपकी एस्केप वेलॉसिटी होती है अब यहाँ पे हमें मास uh, सेम uh, है नहीं है उसमें नहीं हमें डेंसिटी पे कंपेयर करना है तो इस मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी सो इसको हमने लिखा टू जी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय मास को हमने लिखा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम फोर पाई बाय थ्री पाई आर फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि अपना जो प्लैनेट है या जिस उसकी बात हो रही है वो परफेक्ट स्वेयर है तो एक आर इससे आर से कट जाएगा तो आपकी एस्केप वेलोसिटी जो आ गई दैट इज एट बाय थ्री पाए जी रो आक्वायर ये हो गया आपकी एस के वेलॉसिटी ना उस प्लानिट के बारे में हमें पता है कि उसका रेडियस उस ट्वाइस है सो बाकी सारी चीजें और डेंसिटी बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेलासिटी ऑफ प्लानट डिवाइडेड बाई वेलासिटी ऑफ अर्थ विल भी इक्वल टू बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लानट का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर और ये वैल्यू अपने को पता है रेडियस ऑफ प्लानट हमें दिया हुआ है ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर का अंडर रूट सो ये टू बाय वन वैल्यू आ जाएगी टू बाय वन कैसे आया हॉलेट right, ये अंडर रूट टू का स्क्वायर बाय वन हो जाएगा सो दैट विल बी इक्वल टू टू बाय वन यानी कि अपना रिलेशन हो गया वेलोसिटी एस के वेलोसिटी ऑन दैट प्लानिट इज ट्वाइस एस के वेलोसिटी ऑन अर्थ सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर